आज हम लोग डू वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। एक डू वाइल लूप का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम लोग डू लिखते हैं और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस में आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जिसे हम बॉडी ऑफ द लूप भी कह सकते हैं। और बॉडी ऑफ द लूप के बाद में हम वाइल लिखने के बाद पैरेंथेसिस में टेस्ट कंडीशन लिखते हैं और लास्ट में सेमी कॉलन डालते हैं। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वाइल लूप में हमने सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं किया था, वहीं हम डू वाइल में सेमी कॉलन का यूज करते हैं स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। कुछ प्रमुख बातें डू वाइल लूप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा बॉडी एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में जब बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम कंडीशन को टेस्ट कर देते हैं, और कंडीशन टेस्ट करने पे ट्रू है तो फिर से हमारा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारा टेस्ट कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। हमारा डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता है, क्योंकि इसमें टेस्टिंग ऑफ टेस्ट कंडीशन लास्ट में है। वहीं वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि उसमें टेस्ट कंडीशन बिगनिंग में होता है। वाइल लूप के बारे में और डू वाइल लूप में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वाइल लूप में अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो तो लूप एग्जीक्यूट एक बार भी नहीं करता है। वहीं अगर डू वाइल में हमारा कंडीशन अगर फॉल्स भी हो तो भी मिनिमम एक बार लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करता है। आइए एक हम लोग फ्लो चार्ट के हेल्प से समझें। सबसे पहले हमारा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद में हम टेस्ट कंडीशन को चेक कर रहे हैं। हम कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से हम बॉडी में जाएंगे और लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमने एक वेरिएबल लिया है आई, इंटीजर टाइप का, और उसको इनिशियलाइज किया है हमने जीरो से। यहां से डू स्टार्ट किया एंड कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट एफ वेलकम टू लूप लिखा हुआ है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने आई प्लस प्लस लिखा। आई को इंक्रीज करने के लिए स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, और कर्ली ब्रेसेस के बाद में वाइल एंड पैरेंथेसिस में आई इज लेस देन टू, ये हमारा टेस्ट कंडीशन है, लास्ट में सेमी कॉलोन। आइए एक एक करके देखें कि कैसे स्टेटमेंट वर्क कर रहा है हमारा। सबसे पहले हमारा आई का वैल्यू जीरो असाइन होगा, उसके बाद हम डू के अंदर एंटर करेंगे एंड पहला स्टेटमेंट लूप में वेलकम टू लूप एग्जीक्यूट होगा और ये स्क्रीन पे वेलकम टू लूप डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा और ये आई के वैल्यू को इंक्रीज कर देगा वन से। आई का वैल्यू इनिशियली जीरो था, वो जीरो से बढ़ करके अब एक हो जाएगा। इसके बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे वाइल आई इज लेस देन टू। आई का वैल्यू चूंकि यहाँ वन है तो एक दो से छोटा होता है, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू है। फिर हम लूप में चले जाएंगे, लूप के बॉडी में जाकर के पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि वेलकम टू लूप डिस्प्ले करेगा। फिर से आई प्लस प्लस करेंगे जो आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा और एक से बढ़ा करके आई का वैल्यू दो हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट में हम टेस्ट करेंगे कंडीशन को, आई इज लेस देन टू, आई का वैल्यू यहाँ दो है तो क्या दो दो से छोटा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे। ये हमें बाहर लेके आएगा और लूप के बाहर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से एक लूप वर्क करता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स देखें और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने इंट आई एक वेरिएबल लिया, उसको जीरो से इनिशियलाइज किया, डू कर्ली ब्रेसेस देन फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट एफ के अंदर में डबल कोट्स में हम लोग
वेलकम टू लूप लिखते हैं, लास्ट में सेमी कॉलोन डालते हैं और उसके बाद में आई प्लस प्लस। हम इस लूप को यहाँ पे स्लैश साइन का भी इस्तेमाल करें ताकि जितनी बार भी आउटपुट आए हमें न्यू लाइन में दिखाई दे। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे वाइल लिखेंगे, वाइल टेस्ट कंडीशन आई इज लेस देन टू और लास्ट में सेमी कॉलोन। आई स्टेटमेंट को हम लोग कंपाइल और रन करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है और इसका आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है कि दो बार वाइल लूप वर्क करके हमें वेलकम टू लूप एंड वेलकम टू लूप डिस्प्ले कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। इनिशियली आई का वैल्यू जीरो है और हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है डू, तो सबसे पहले वो एंटर करेगा और एंटर करके वेलकम टू लूप डिस्प्ले करेगा। फिर आई का वैल्यू इंक्रीज होगा वन से, तो जीरो से इंक्रीज होके वन हो जाएगा। उसके बाद हम लूप में आएंगे, कंडीशन टेस्ट करेंगे, आई इज लेस देन टू, आई का वैल्यू वन है तो कंडीशन ट्रू है हमारा। फिर से हम वाइल ऊपर जाएंगे एंड प्रिंट एफ वेलकम टू लूप डिस्प्ले होगा फिर से। फिर हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे एंड आई का वैल्यू अब इंक्रीज होके दो हो जाएगा। टेस्ट करेंगे कंडीशन को, क्या दो दो से छोटा है, नो, कंडीशन फॉल्स है हमारा, हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। इस तरह से ये लूप वर्क कर रहा है। आइए देखें अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो तो क्या होगा। जैसे हम आई के वैल्यू को हम 5 ले लेते हैं, इस कंडीशन में हमारा ये कंडीशन फॉल्स है। आइए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, देखते हैं हमें क्या आउटपुट देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट एक बार वेलकम टू लूप आ रहा है तब भी ऐसा आ रहा है जबकि कंडीशन हमारा फॉल्स है। आई का वैल्यू हमने 5 लिया है एंड यहाँ हमने टेस्ट कंडीशन में रखा है कि क्या आई का वैल्यू 2 से कम है, आई इज लेस देन 2, जो कि फॉल्स है। लेकिन जब ये टेस्ट कंडीशन हमारा नीचे में होने की वजह से हम लोग शुरू में लूप के बॉडी में जा रहे हैं और इसकी वजह से हमें एक बार आउटपुट मिल रहा है और फिर आई का वैल्यू इंक्रीज होके 6 हो रहा है और 6 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स है, तो हम लोग लूप से बाहर आ जा रहे हैं। ये प्रमुख डिफरेंस है एक वाइल और डू वाइल में कि वाइल अगर फॉल्स है तो एक बार में ही लूप एग्जिट कर जाएगा विदाउट डिस्प्लेइंग एनीथिंग, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है और हम डू वाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लूप मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट करेगा और हमें डिस्प्ले करेगा इंफॉर्मेशन को। तो वाइल डू लाइव वाइल लूप में बस इतना ही। थैंक यू।